ड्राइविंग टेस्ट जब आप एक बार हासिल कर लेते हैं तो उसको आफ्टर 5 ईयर जब वो एक्सपायर हो जाता है तो आपको दोबारा टेस्ट रोड टेस्ट आपसे नहीं लिया जाता। अगर आपकी प्राइमरी कैटेगरी में वो आपकी कैटेगरी LTV मेंशन नहीं है तो इस यहाँ पे आपको आगे वो लाइसेंस नहीं मिलेगा। जो आपकी प्राइमरी लाइसेंस की कैटेगरी होगी वो आगे इंटरनेशनल में मूव हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बख्त और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुलिस लॉक। नाज़रीन, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल चला रहे हैं तो लाजिम है आपके पास उस सवारी के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि जैसी सवारी वैसा लाइसेंस। गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपको ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर की अकसाम और हसूल के तरीक़ाकार के हवाले से बताया गया था। आपने हमारे सोशल मीडिया पर ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बहुत अहम सवाल पूछे हैं। इस बारे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदे सजाद हुसैन साहब, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सजाद साहब, हमारे नाज़रीन की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लर्नर एक्सपायर हो जाए तो उसको रीन्यू करवाने का तरीक़ाकार क्या है? बहुत ही सादा और आसान तरीका है। ट्रैफिक की एप्लीकेशन रास्ता एप्लीकेशन, उससे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएँ और टाइम मिलने पर आप खिदमत मरकज आ जाएँ। वहाँ पे आपने ड्राइविंग लाइसेंस के टिकट लेके आने हैं, एक अदद CNIC की कॉपी और ओरिजिनल CNIC वो साथ लेके आना है। जैसे ही आप खिदमत मरकज़ में पहुँचेंगे आपको बहुत कम टाइम में लर्नर लाइसेंस की डुप्लीकेट जो है वो आपको रिसीव करवा दी जाएगी। बहुत चंद सेकेंड्स में आप ये हमारी खिदमत हासिल कर पाएंगे। क्या लर्नर के हसूल के बगैर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया जा सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं। ये एक इनिशियल प्रोसेस है जो कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत दिया जाता है। किसी भी शहरी को बगैर लाइसेंस लर्नर लाइसेंस बनवाए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। मोटरसाइकिल मोटर कार के लाइसेंस से LTV का लाइसेंस हासिल करना हो तो क्या दोबारा ड्राइविंग टेस्ट भी देना होता है? जी बिल्कुल मुमकिन है। उसके लिए किसी ड्राइविंग लाइसेंस की कोई भी कैटेगरी अगर आप तब्दील करते हैं तो उसके लिए आपको सारा प्रोसेस पहले की तरह अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। टेस्ट दिए बगैर आप कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की कैटेगरी चेंज नहीं करवा सकते और इस प्रोसेस को हम एंडोर्समेंट प्रोसेस कहते हैं। लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और क्या ड्राइविंग टेस्ट भी दोबारा देना पड़ता है? ड्राइविंग टेस्ट जब आप एक बार हासिल कर लेते हैं तो उसको आफ्टर 5 ईयर जब वो एक्सपायर हो जाता है तो आपको दोबारा टेस्ट रोड टेस्ट आपसे नहीं लिया जाता। LTV लाइसेंस को इंटरनेशनल लाइसेंस में तब्दील किया जा सकता है? इसमें एक चीज़ है कि अगर आपका प्राइमरी लाइसेंस जिस कैटेगरी पे फॉल कर रहा है उसी बिहाब पे आपको आगे सेकेंडरी इंटरनेशनल लाइसेंस मिलेगा। अगर आपकी कैटेगरी में LTV मेंशन है आपकी प्राइमरी जो कैटेगरी है लाइसेंस की, तो उस बिहाब पे आप आगे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मूव कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अगर आपकी प्राइमरी कैटेगरी में वो आपकी कैटेगरी LTV मेंशन नहीं है तो इस बिहाब पे आपको आगे वो लाइसेंस नहीं मिलेगा। जो आपकी प्राइमरी लाइसेंस की कैटेगरी होगी वो आगे इंटरनेशनल में मूव हो जाएगी। क्या लोकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए बगैर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है? जब आपके पास पाकिस्तानी नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो उसी बिना पे आप इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। अगर आपके पास नेशनल लाइसेंस नहीं है तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेने के हकदार नहीं हैं। LTV लाइसेंस की कैटेगरी में आप कौन कौन सी गाड़ियों को चला सकते हैं? LTV लाइसेंस की कैटेगरी में आप छोटी गाड़ियाँ वो चला सकते हैं, उसमें तमाम कैटेगरी आती हैं। इसकी मैक्सिमम जो हद है वो आप मिनी ट्रक तक चला सकते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर हुए काफ़ी अर्सा गुजर चुका हो तो जब हम रिन्यू करवाने जाएंगे तो उस पर कोई हमें जुर्माना भी अदा करना पड़ता है? उसका देखा जाएगा कि उसकी कैटेगरी लाइसेंस की कैटेगरी क्या, किस कैटेगरी में फॉल करता है और उसका एक्सपायरी पीरियड क्या है, उस हिसाब से फिर उसके ऊपर जो है कैटेगरी देखते हुए उसको ड्राइविंग टिकट का जो फाइन है वो टिकट की सूरत में पे करना पड़ेगा। इसके अलावा उससे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, वो उसका दौरानिया देखा जाएगा कि वो कितने अरसे का एक्सपायर है और उसकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी के हिसाब से और मुद्दत के हिसाब से उसको फाइन पे किया जाएगा। सजाद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, ये कुछ अहम सवालात थे जो आपने सोशल मीडिया पर ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से पूछे थे। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से मज़ीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान उमर बख्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।